मैं दिन में 100 मरीज को देखता हूँ, मेरे टच पॉइंट्स कम से कम 80 से 100 हैं दिन के। अगर ये छूछात की बीमारी होती तो मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मैं वापस अपने घर में जाता हूँ, ये फैलता नहीं है। ये तो प्यार बढ़ाने से और छूने से क्योर होता है। अगर हम इन मरीजों का साथ दें, एक सामाजिक साथ दें, तो उनमें ऊर्जा आएगी और वो ठीक होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैंसर एक आर्थिक बीमारी नहीं, एक सामाजिक और एक मानसिक बीमारी है। हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो। और आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोमा के बारे में। ये क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या ये एक सीरियस कंडीशन है, ये सब हम जानेंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं वेरी सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर अंकुर। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्कार, नमस्कार विदुषी, और सारे श्रोताओं को बहुत बड़ा धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो मैं मानता हूँ, मेरी नज़र में उस दुनिया भर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट इस बीमारी को क्योरेबल मानते हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इस बीमारी पे जीत पा सकते हैं और कैसे भ्रम को जो समाज में फैले हुए हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विदुषी। बिल्कुल सर, सर मिथ से स्टार्ट करते हैं जो भ्रम है। सर सबसे पहला जो मिथ आता है वो ये आता है कि लिम्फोमा इज ऑलवेज अ फेटल डिजीज। देखिए, दिस इज़ अ बिगेस्ट मिथ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तथ्य नहीं है, ये मिथ्या है। लिम्फोमा एक क्योरेबल बीमारी है, और खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे किसी को बीमारी हो, अगर लिम्फोमा होती है तो इतना ज़बरदस्त चांस है 70-80% लिम्फोमा पूर्ण रूप से क्योर हो सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ डिजीज, दिस डिजीज इन 80% ऑफ द पेशेंट्स, एंड विद द एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये प्रतिशत दिन बर दिन, साल बर साल, दशक बाय दशक बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात है सर। सर सेकेंड मिथ है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ ओल्डर अडल्ट्स को होती है। नहीं, ये भी सत्य नहीं है। लिम्फोमा छोटे से छोटे बच्चे में भी पाया जाता है। हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की बीमारी हमारी एज में दो उस वेव्स में आती है। एक है 20 से 30 साल के बीच में, मेजॉरिटी ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा इस यंग ग्रुप में आते हैं, 20 से 30 साल के ग्रुप में, और एक सर्ज आता है 50 से 60 साल के बीच में। तो लिम्फोमा सिर्फ बुज़ुर्गों की बीमारी है ये नहीं है। लिम्फोमा छोटे से छोटे बच्चे को भी हो सकता है, एक जवान लड़के या लड़की को भी हो सकता है, और एक बुज़ुर्ग माता और पिता को भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, ये किसी को भी हो सकती है। एंड सर ये कॉन्टेजियस है, लाइक आपको किसी और से भी आ सकती है प्रॉब्लम? ऐसा होता तो मैं ये स्पेशलिटी नहीं चुनता। मैं दिन में 100 मरीज को देखता हूँ, मेरे टच पॉइंट्स कम से कम 80 से 100 हैं दिन के। अगर ये छूछात की बीमारी होती तो मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मैं वापस अपने घर में जाता हूँ, ये फैलता नहीं है। ये तो प्यार बढ़ाने से और छूने से क्योर होता है। अगर हम इन मरीजों का साथ दें, एक सामाजिक साथ दें, तो उनमें ऊर्जा आएगी और वो ठीक होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैंसर एक आर्थिक बीमारी नहीं, एक सामाजिक और एक मानसिक बीमारी है, यही तो दूर करना है समाज में। सर एग्जैक्टली सर, लिम्फोमा जो है वो सेम है एज ल्यूकेमिया? नहीं, ये सेम नहीं है, ये अलग है। ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो ब्लड की है जी। ल्यूकेमिया का जो उत्पादन है बोन मैरो से होता है और ये ब्लड में आता है। लिम्फोमा गांठों की बीमारी है, सर्वाइकल, गले की गांठ, एक्स बगल की गांठ, छाती की गांठ, पेट की, जांघ की गांठ, ये लिम्फोमा है। कई बार कुछ प्रतिशत पेशेंट्स में, मैं कहूँगा 15-20% पेशेंट्स में ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या स्पिल। बट ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है और लिम्फोमा एक गांठों का कैंसर है। इसको उलझाएं नहीं, इसको सुलझाएं और समझिए, समाज में सही इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये अलग है। बिल्कुल सर। सर सोलन लिम्फ नोड अगर होता है तो इसका मतलब कैंसर ही है? नहीं, सोलन लिम्फ नोड बहुत रेयरली कैंसर होता है। बच्चों में सोलन लिम्फ नोड URI इन्फेक्शन से हो सकता है। कई बार यंग मदर्स विचलित हो जाती हैं कि उनके बच्चों को गांठें हैं, वो खांसी बुखार के कारण गांठें हैं, वायरल इन्फेक्शन से गांठें आ जा सकती हैं। हमारे देश में
ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा कारण है गांठों होने का जी। कैंसर और लिम्फोमा रेयर कारण है, लेकिन हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में सारे मरीज इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें बीमारी आम लगती है, ऐसा नहीं है। कैंसर लिम्फ नोड का एक रेयर बीमारी है। कॉमन कॉजेज को रूल आउट करना प्राथमिक डॉक्टर का, पीडियाट्रिशियन का या एक जनरल मेडिसिन का, उन्हीं की रुचि है और उनको वो देखते हैं। समाज में हर लिम्फ नोड कैंसर नहीं होता। ओके सर, ये थे कुछ मिथ्स जो हमारे पास आते हैं। सर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लिम्फोमा को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें जो हमारी ऑडियंस हैं जिनको नहीं पता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। देखिए, किसी भी मेरे दोस्त, माता पिता, बहन को अगर कोई गांठ है गले में, बगल में, जांघ में, तिल्ली बढ़ रही है, स्प्लीन बढ़ रही है, बुखार आ रहा है जो किसी इन्फेक्शन रूल आउट हो चुका है, वजन कम हो रहा है, या रात को ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स का मतलब इतना पसीना आ रहा है कि कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं लिम्फोमा के। तो घबराएं नहीं, निकटतम कैंसर संस्थान में जाएं। हर एक सिटी में, बहुत से मेट्रो संस्थान में, हर जगह एक कैंसर संस्थान है, वहाँ जाएँ, इसकी एक सिंपल सी बायोप्सी कराएँ। बायोप्सी के बाद पहचाने लिम्फोमा है या नहीं है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इसको 72 से 96 घंटे में डिफरेंशिएट कर सकता है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है या हॉजकिन लिम्फोमा है। इलाज संपूर्ण रूप से अवेलेबल है, क्योरेबल है, 80% लोग ठीक हो जाते हैं जड़ से। तो पहले ही बार में अगर इनको ढंग से डायग्नोस किया जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाया जाए, तो ये हमारे जैसे ही मरीज, आम इंसान हैं जो लिम्फोमा के सर्वाइवर्स हैं। लाखों की तादाद में वर्ल्ड में लिम्फोमा सर्वाइवर्स मौजूद हैं, और लिम्फोमा एक बीमारी है जो उदाहरण देती है बाकी मरीजों को कि कैसे ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जानना चाहूँगी मैं कि क्या लिम्फोमा के कुछ टाइप्स होते हैं। लिम्फोमा दो तरीके का होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा दो तरीके का होता है, बी सेल और टी सेल। नॉन हॉजकिन की बात करें तो टी सेल हाई ग्रेड होता है। बी सेल लिम्फोमा भी आगे दो प्रकार का होता है, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। आगे डिटेल में नहीं जाते, साधारण रखने के लिए इस वार्तालाप को। और हॉजकिन लिम्फोमा चार प्रकार का होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, हम आज इस वार्तालाप को सीमित रखते हैं। नॉन हॉजकिन और हॉजकिन दोनों ही संपूर्ण रूप से क्योरेबल हैं। ओके, एंड सर अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या अवेलेबल हैं और हाउ डिड दे वर्क।